भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता एवं विधायक रंजना साहू ने कहा है कि कांग्रेस शासनकाल में मासूम बच्चियों से लेकर वृद्ध महिलाओं तक की अस्मिता कहीं सुरक्षित नहीं है। उन्होंने राजधानी के बीचों बीच जयस्तंभ चौक के करीब एएसपी दफ्तर के पास मल्टीलेवल पार्किंग में एक नाबालिग किशोरी के साथ हुए गैंगरेप के मामले में प्रदेश की कांग्रेस सरकार पर नकारापन एक और शर्मनाक उदाहरण बताया। श्रीमती रंजना साहू ने कहा कि एक तरफ कांग्रेस सरकार महिला समृद्धि सम्मेलन करके राजनीतिक ड्रामेबाजी कर रही थी, तो वहीं दूसरी ओर राजधानी में वहशी दरिंदों ने एक किशोरी की अस्मिता को लहूलुहान कर दिया। लेकिन मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से लेकर प्रियंका वाड्रा तक सब ने मुंह में दही जमाए रखा। मानवता को शर्मसार कर देने वाली घटना छत्तीसगढ़ इस प्रदेश में, फिर से छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में मल्टी लेवल पार्किंग में एक नाबालिग बच्ची के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ। और आश्चर्य की बात यह है कि यहाँ पर एएसपी का दफ्तर भी है। ये क्या हो रहा है इस प्रदेश में? यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी इन गंभीर ऐसे मसलों में बोलने को तैयार नहीं है, और इसके बजाय ऐसे गंभीर मामलों में पर्दा डालने में ये बड़े माहिर हैं। आज कांग्रेस के महासचिव श्रीमती प्रियंका जी का आगमन इस छत्तीसगढ़ में हुआ, महिला समृद्धि कार्यक्रम में वो शामिल हुई, लेकिन एक बार भी क्या उन्होंने ये जानने का प्रयास किया कि यहां पर महिलाओं की स्थिति क्या है? हर रोज अनाचार दुराचार की घटनाएं सामने आ रही हैं। उन्होंने क्या एक बार भी जानने का प्रयास किया कि यहां पर महिलाओं के हालात क्या है? उन्होंने कभी क्या मुख्यमंत्री से प्रश्न किया कि यहां पर इस तरह की घटनाएं क्यों हो रही है? वो आती हैं समृद्धि सम्मेलन में शामिल होती हैं और उनके जाने के बाद फिर से ये घटना होती है।